जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने शहर के संगीत सदन में प्राचीन संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एसडीएम श्रवण मांटा ने बतौर मुख्य अतिथि, लोक संपर्क विभाग की डिप्टी डायरेक्टर मंजुला मुरीद ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम श्रवण मांटा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि लोकगीतों व लोकनृत्यों पर आधारित संस्कृति को धरोहर के रूप में संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति उन संस्कारों से प्रेरित है जिन्हें आज भी विवाह शादियों व अन्य विभिन्न समारोहों में निभाया जाता है, जिसका भविष्य में भी एक धरोहर के रूप में संवर्धन जरूरी है। इस अवसर पर विशेष अतिथि सूचना एवं संपर्क विभाग मंजुला मुरीद ने कहा कि हिमाचल लोक मानस में पारंपरिक लोकगीतों, गाथाओं, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों, देवगाथाओं, गीतों और देवी देवताओं के इतिहास अनेक धारणाएं प्रचलित हैं, इन्हें लेकर बृहद शोध की जरूरत है। दीप्ति सैनी, जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी मंडी। जैसे कि सभी जानते हैं, भाषा एवं संस्कृति विभाग साल भर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। इसी कड़ी में आज हमने यहां पर संगीत सदन पर में संस्कार गीतों का प्रलेखन तैयार किया, साथ ही नाग्य नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त संगीत सदन के विद्यार्थियों ने बारहमासा गाया और जिला भर से आए हुए पार्टिसिपेंट जो भी थे प्रतिभागी, उन्होंने एकल गीतों से अपनी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। एकल गीतों की यह प्रतियोगिता थी जिसमें हमने समाचार के माध्यम से आवेदन मांगे थे। जो भी हमारे पास आज भी जिन्होंने एंट्री कराए उन सबकी हमने प्रतियोगिता ली और जिला अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया ताकि भविष्य में भी आजकल जो पीढ़ी मॉडर्न के गीतों की तरफ बढ़ रही है उनको अपने लोकगीतों के संरक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया ताकि आने वाली पीढ़ी जो है अपने संस्कृति और संवर्धन संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयासरत रहे। कार्यक्रम में संस्कार गीतों का प्रलेखन, नागरिक नृत्य, लोकगीतों की एकल प्रतिस्पर्धाएं भी करवाई गई। इसके अलावा शहर की जानी मानी लोक गायिका व कवित्री रूपेश्वरी शर्मा ने संस्कार गीतों में बधाई व विवाह शादियों में गाए जाने वाले गीतों में से समा बांधा। आशा ठाकुर व सरिता गुलेरिया ने पारंपरिक विवाह गीत जो आधुनिकता की दौड़ में डीजे की धुन में लुप्त होते जा रहे हैं को पेश कर अपनी प्राचीन संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की। हमारे यहाँ